क्या नाम है आपका? आशी। आशी, आशी कहाँ से रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद, वैसे पीछे से कहाँ से रहे? गाजियाबाद से ही है? बरेली से। बरेली तो बांस बरेली, बहुत अच्छी बरेली है जी। जरी जनाब, सर महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, मुद्दा नहीं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं उठाता। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, सर महंगाई कम होनी चाहिए। हर महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है। दवाइयाँ लेने जा रहे हैं तो महंगाई, सब्जी लेने जा रहे हैं तो महंगाई, सर महंगाई बहुत है। सर महंगाई बहुत है, मैं आ रहा हूँ अग्निवीर, आ रहा हूँ अग्निवीर। महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जी लेने जाओ तो महंगाई, दवाई लेने जाओ तो महंगाई, महंगाई बहुत। मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? जमुना पार से। जमुना पार से? जमुना पार तुम्हारा गांव है? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर, क्या बात है, बहुत दूर थोड़ी ना, पास में ही है। इतनी तो छलांग लगा दे भैया जी पहुंच जाए जी। कुछ कहना है बोलिए। हमें तो ये कहना है कि लोग मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम तो देश के लिए ये सोच रहे हैं कि जो पहले फौज में लोग अपने बच्चों को भेजते थे, आज वो अग्निपथ में वहाँ भी चार साल की नौकरी करती है। अग्निवीर, 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 अग्निपथ नहीं। हाँ जी जी सर, वही जो कह रहे हैं सर, ये सर अभी बोले हैं अपने बच्चों को चार साल, अभी जो नेपाल सरकार जो हमारे को देती थी आर्मी में आने के लिए, उन्होंने बैन कर दिया, बोला हमारे नेपाल की पब्लिक नहीं जाएगी आर्मी में, उन्होंने अभी नेपाल में। ठीक ठीक, मैं आ रहा, मैं आ रहा। वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज, बोलो जल्दी। ये बेरोजगारी बहुत है सर उत्तर प्रदेश। महंगाई, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश जी। भैया सर, मेरा सवाल एक है सरकार से। सर सर बोलो सर, मेरा सवाल एक है सरकार से, अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई कमी नहीं हो रहा है सर, अच्छे दिन कब आएंगे? मोहम्मद मोहम्मद रफी जी, मैं रुकी, अच्छे दिन कब आएंगे जी? भैया महंगाई कुछ ही नहीं है। हाँ जी, आप, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ, आप फ्री में पानी और शिक्षा देंगे? अटल जी ने कहा है कि अपने को मेडिकल और शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए इंडिया में? मेडिकल, जो आपको मेडिकल लगता है, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन, हाँ वो फ्री में मिलना चाहिए। आप जब बिजली पानी फ्री में क्यों दे रहे? तो कोई महंगाई नहीं है, तो महंगाई कहाँ से है फिर? महंगाई होने वाली है फिर, वो कौन देने वाला है? इनकम टैक्स सब होगा, और उधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हाँ कान अभी का पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी कहाँ रहने वाले हो? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र से, बोले कहीं महंगाई नहीं है। एक मिनट रुकिए जी, मोदी हैं तो मुमकिन है, और इतने साल से गुजरात में क्यों आ रहे हैं मोदी जी? क्यों आ रहे हैं फिर आप बताओ ना, क्यों आ रहे हैं? क्या मालूम, तुम बताओ। 15-20 साल से सर, वहाँ अच्छा, आप सूरत देखिए, अहमदाबाद देखिए, पूरा गुजरात देखिए, चमाचम एक नंबर। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मोहम्मद रफी, आता आ रहा हूँ, कांग्रेस को जवाब दूंगा। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, हाँ जी, उत्तराखंड में बीजेपी है, अभी अंकिता न्याय हत्याकांड को आरोपियों को सजा नहीं दी जा रही भैया जी। अंकिता त्यागी, अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी, अंकिता, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, नहीं मिला। जी 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 जनाब जी, पटना बिहार से हम हैं। पटना बिहार से? ओ जी, मोदी जी देश के महापुरुष आदमी हैं, विकास पुरुष हैं, और उनके विकास पर अंगुली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी पार्टी को नहीं है। वो जो कर रहे हैं देश हित के लिए है, जनहित के लिए है। जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो, केजरीवाल क्या कर रहे हैं तो सब दिल्ली वाले समझते होंगे, दिल्ली वाले समझते होंगे। क्यों? तो देखिए, हम पटना बिहार से आए हैं, देखे हैं कि दिल्ली का क्या स्थिति है। और कांग्रेस? कांग्रेस तो गई। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लो लो लो, आम आदमी पार्टी।